676 पद खाली हैं पॉलिटेक्निक लेक्चर के, लेकिन क्या कारण है कि कई साल होने के बावजूद अभी तक जो है भर्ती नहीं आ रही है। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि आउटसोर्स से ही पूरी जो है भर्ती और पूरा जो विभाग चल रहा है। क्या है पूरा माजरा, कब तक आ सकती है विज्ञप्ति, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है पॉलिटेक्निक लेक्चर को लेकर लगातार जो है यहाँ पर आवाज़ उठ रही है। 10 साल से पॉलिटेक्निक लेक्चर की जो है भर्ती नहीं आई है, कई अभ्यर्थी इसके इंतज़ार में उम्र सीमा भी पार कर चुके हैं। लास्ट बार 2015 में लेक्चरर की भर्ती आई थी, 2019 से जो है अध्याचन लटका पड़ा है। आयोग ने कहा कि विभाग से भेजे अध्याचन में बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर करने का लगातार कोशिश किया जा रहा है। अब सवाल ये उठते हैं कि सन 2019 में प्रवक्ता का जो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता है उसका अध्याचन भेजा गया था, तब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने अपने पूरा कार्यकाल कंप्लीट कर लिया है, अगले कार्यकाल के लिए वो जो है इलेक्शन के मैदान में हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार कह लीजिए या फिर आयोग कह लीजिए या पॉलिटेक्निक विभाग कह लीजिए या वो जो है उच्च टेक्निकल जो शिक्षा विभाग है, अभी तक इसके अधियाचन में कमियां ही दूर नहीं कर पाया। तो सोचिए कितनी बड़ी बदकिस्मती उत्तराखंड के युवाओं की है कि वो इस लगातार जो ये दंश है उसको यहाँ पर झेल लें। इसी संबंध में आपको मैं आगे और भी बताऊंगा, आउटसोर्स से लगातार जो है भर्तियां हो भी रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव साहब हैं उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती भी अन्य भर्तियों की भांति ही है, क्योंकि अभी तक भी इस भर्ती के अध्याचन की खामियां दूर नहीं हो पाई हैं, इसीलिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये भर्ती निकाली जाए। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि विभाग के साथ साथ आयोग भी जल्द से जल्द समय ही दे रहा है। रिसेंट टाइम में तमाम RTI के माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि करीब 600 से अधिक पद हैं और तमाम जितने भी अलग अलग जो आप ब्रांचेज हैं उनमें भी आए हैं, लेकिन अभी रिसेंट मार्च में किसी अभ्यर्थी ने एक RTI लगाई थी उसमें पदों की संख्या घटकर 500 के आसपास जो है बताया जा रही, 500-550 के बीच में रह सकती है। तो तमाम यहाँ पर जो है अटकलें लगाई जा रही हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आउटसोर्स का पूरा खेल चल रहा है, यानी कि आउटसोर्स के माध्यम से पूरा खेल यहां पर चल रहा है। आउटसोर्स का खेल तो नहीं, तो आप देख सकते हैं प्रवक्ता के खाली पड़े पदों पर प्रवक्ताओं को की स्थायी भर्तियां तो नहीं की जा रही, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से खूब भर्तियां यहां पर निकाली जा रही। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा, आज से ठीक एक साल पहले आउटसोर्स के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में जो पॉलिटेक्निक लेक्चर थे उनकी यहां पर भर्तियां निकाली गई थी। कई पॉलिटेक्निक तो ऐसे हैं जहां बमुश्किल एक स्थायी लेक्चरर बचा है, बाकी सभी आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है। कई ऐसे संस्थान जहां आउटसोर्सिंग का स्टाफ भी पूरा नहीं है, युवाओं का आरोप है कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए अध्याचन को लटकाया जा रहा है। और आपने रिसेंट टाइम में ध्यान दिया होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रयाग पोर्टल, उस पर सारी सारे जो उत्तराखंड के सरकारी विभाग हैं उनमें जो आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ होंगी, चाहे वो ग्रुप सी ABCD जो भी हो वहाँ से की जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो युवा इस पे आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो सिद्ध होती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए मामला, आप देख सकते हैं कि 10 साल हो गए हैं, 2015 में इसकी वैकेंसी आई थी। आलम यह है कि 2019 से प्रवक्ता भर्ती का अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग के पास है, जिसकी कई बार कोशिश के बाद भी खामियां दूर नहीं हो पाई। आखिर क्या ऐसा रीजन है कि इसमें जो खामियां हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं, या सरकार या फिर आयोग या फिर विभाग इसको इसकी जो खामी है उसको दूर करना ही नहीं चाह रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एग्जाम्पल दिया कि मोदी सरकार एक बार अपना पूरा शासन कर चुकी है, अगले शासन के लिए मैदान में है, लेकिन तब भी पॉलिटेक्निक लेक्चर का जो आप देख सकते हैं अधिशासन में जो कमियां हैं वो अभी तक जो है दूर नहीं हो पाई हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर
आयोग और विभाग दोनों की जो उदासीन रवैया है उसको लेकर आप देख सकते हैं कि विभाग में करीब 2295 पद खाली हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको लेकर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, उसको भी आप चेक करिएगा। यहाँ पर 2295 पद खाली हैं, इनमें से लेक्चरर के 900 में से 676 पद खाली पड़े हैं। वहीं पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का जो अध्याचन है 2019 से लोक सेवा आयोग के पास है, लेकिन इसमें ऐसी खामियां क्या हैं कि जो अभी तक दूर नहीं हो पाई हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या वाकई में ये भर्ती आएगी इस साल या नहीं आएगी, इस पे भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। क्योंकि रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि 26 अप्रैल को लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। अगर इस परीक्षा कैलेंडर की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर आप वैकेंसियों की बात करें तो यहाँ पर आपको ये भर्ती पॉलिटेक्निक लेक्चर की नहीं नज़र आएगी। तो इस कैलेंडर में भी आप देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक लेक्चर की भर्ती जो है नहीं है। तो क्या वाकई में इस साल भी बेरोजगार अभ्यर्थियों को पॉलिटेक्निक की जो भर्ती की विज्ञापन है उसका इंतज़ार करना पड़ सकता है? तो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, सरकार पे भी खड़े होते हैं, आयोग पे भी खड़े होते हैं, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट है उच्च शिक्षा विभाग, और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री की जो बात भी हम बाद में करेंगे, जो शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।